अपनी माँ की दुआ लो, अपने बाप की दुआ लो। मेरे नबी ने फरमाया, उमर, मेरे बाद एक आदमी आएगा, उसका नाम होगा अवैस, और वो करण की शाख से होगा, उसे दुआ कराना। अली, आप भी, उमर आप भी, या रसूल अल्लाह, किस लिए? का उसने माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब हाथ उठाता है अल्लाह उसके हाथ खाली नहीं लौटाते। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हज के मौसम पर सारे हाजी खड़े कर लिए, कहा भाई यमन वाले खड़े रहो बाकी बैठ जाओ। तो बैठ गए, फिर फरमाया कि यमन वाले बैठ जाओ, कर्ण वाले खड़े रह जाओ। तो एक आदमी खड़ा रहा, कहा तुम कर्णी हो? का जी हाँ। अवैस को जानते हो? जी, मेरे भाई का बेटा है, लेकिन थोड़ा पागल सा है, आप क्यों पूछ रहे हैं? उमर ने फरमाया वो नहीं, तू पागल है। किधर है? कहा जो ऊंट चराने गया है उधर अरफात की तरफ। तो आपने हजरत अली को साथ लिया और दौड़ लगाई सवारी पर। देखा तो अवैस करनी एक कीकर के नीचे नमाज पढ़ रहे थे और ऊंट चर रहे थे। तो जब उन्होंने देखा कि दो आदमी आके बैठ गए, तो उन्होंने नमाज शॉर्टकट कर दी। तो हजरत उमर ने पूछा, कौन हो भाई? काजी, मैं मजदूर हूं। का तेरा नाम क्या है? काजी, अल्लाह का बंदा। कह रहे भाई, तेरी माँ ने तेरा नाम क्या रखा है? उसने तो ना हजरत उमर को देखा था ना अली को। वो कहने लगा, भाई तुम कौन लोग हो मेरा इंटरव्यू करने वाले? ये तो मैं अपनी जुबान में कह रहा हूँ। तो हजरत अली बोले के भाई, ये है अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब और मैं हूँ अली बिन अबी तालिब। तो वो ऐसे कांपने लगे, मैं माफी चाहता हूँ, मैं पहली दफा आया हूँ, मैंने आपको देखा नहीं। फरमाइए आप। हजरत उमर ने कहा, हाथ उठा हमारे लिए दुआ कर। तो वो रोने लगी, आप नबी के सहाबी, मैं आज इस मिस्कीन, मैं दुआ करूं? मेरी औकात है मैं दुआ करूं? कहा, हमें हमारे नबी ने फरमाया था अवैस आए तो दुआ करवानी है। उमर और अली जैसी हस्तियों को दुआ के लिए कहा जा रहा है। पीछे तहज्जुद है? नहीं। जिहाद है? नहीं। इल्म है? नहीं। नमाज है? नहीं। रोजा है? नहीं। जकात है? नहीं। खैरात है? नहीं। क्या है? माँ की खिदमत, माँ की खिदमत, माँ की खिदमत। मेरे नबी ने फरमाया, लोग जन्नत में चलेंगे, अवैस चलेगा। जब गेट पर पहुंचेगा तो अल्लाह कहेंगे अवैस को पीछे हटा दो, बाकी अंदर चले जाओ। तो अवैस करने डर जाएंगे कि या अल्लाह, जन्नत के दरवाजे पर मुझे पीछे हटा दिया, तो अल्लाह कहेंगे पीछे देखो। वैसे पीछे मुड़ के देखेंगे तो लोगों का मजमा होगा जो जहन्नुम में जा रहे होंगे, ईमान वाले गुनहगार मुसलमान। तो मेरा अल्लाह कहेगा, अवैस अपनी उंगली को फेरता जा, जिस जिस पर तेरी उंगली पड़ेगी तेरी तो फैल, सबको जन्नत में डाल दूंगा। ये माँ है, सिर्फ डॉलर ही सब कुछ नहीं है, ये माँ है। मेरे नबी ने फरमाया, तेरा बाप तेरे जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा है। अगर तूने बाप को नाराज करके मौत पाई तो तेरे लिए जन्नत का दरवाजा खुल ना सकेगा, ये बाप का मकाम है। फिर आप